थोड़ा माइक ऊपर थोड़ा सा ऊपर। हाँ, आपका नाम? रानी मेरा नाम है। आज बात करें उस गाने की, कौन सा गाना है जो आज रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बारे में बताएं। ये गाना अपने आप में एक बहुत बड़ा गाना है, वेरी यूनिक सॉन्ग, बहुत ही डिफरेंट सॉन्ग है जो मैंने आज तक नहीं गाया है, मैंने इस टाइप ऑफ द सॉन्ग है। ये बिग बॉस के ओम जी बाबा के ऊपर है, रियली ये अपने आप में बहुत अमेजिंग सॉन्ग लगा मुझे। क्या है बिग बॉस के बाबा सब पीछे पड़े हैं, ऐसा क्या है बिग बाबा में? देखिए, बिग बॉस के जो बाबा जी है ना, उनके लिए आप गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, इतने सारे लिंक्स आपके सामने आएंगे। ये हम लोग पीछे नहीं पड़े हैं, पूरे दुनिया, मुझे लग रहा है कि पूरे इंटरनेशनली सारे पीछे पड़ गए हैं इनके। हाँ, क्योंकि बाबा जो है, इसके जहन में कैसे आप इसके ऊपर गाना बनाना चाहिए? एक्चुअली ये गाना जो है, ये दिस सॉन्ग इज फॉर्म्ड बाई आमिर शेख जी और म्यूजिक डायरेक्टर आयान मीत, और डायरेक्टर है अपने राजू जी। तो हम सब मिलके एक कॉन्सेप्ट जो है उसमें जो है इन लोगों ने पहले क्रिएट किया, फिर मुझे बताया, मुझे बहुत अमेजिंग लगा, उस हिसाब से ये गाना बन गया। नहीं तो वही बात होगी, बाबा की कुछ पब्लिसिटी मीडिया ने कर दी, कुछ आपने कर दी। अभी देखिए, बाबा जी जो है ना, उसका पब्लिसिटी आई थिंक इतनी हो चुकी है, वो कैसे हो गई वो सब लोग, आप लोग सारे जानते हो, और वो एक प्रूफ है कि आप सिर्फ ओम जी बाबा टाइप करो, बाकी कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, सारे आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद रही से ही आपने कसर निकाल दी। वो देखिए, वो दुनिया, मतलब बाकी जनता जो है, जनार्दन, वो पॉजिटिवली लेते हैं, या कि हमें तो बड़ा पॉजिटिव लगा ये गाना। आई थिंक ये गाना बहुत अपने आप में एक बहुत अमेजिंग गाना, ऐसा गाना कभी आया नहीं है। मेल फीमेल दोनों वॉइस में है, तो आपके साथ कौन है को सिंगर? मेरे साथ आमिर शेख जी और मैंने दोनों ने गाया है ये गाना, और ये गाना हम दोनों ने मतलब निभाया है गाने। कितनी तैयारियां की इस गाने के लिए आपने? तैयारी, आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने के लिए। तैयारी इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं है, पर अपने आप में जो तैयारी, जो वर्ड है ना, जैसे मतलब सीख रहे हैं डेली, वैसा कुछ नहीं, वेरी फनी टाइप ऑफ सॉन्ग, बहुत इन्जॉय करके हमने गाया। बाबा का हीरो बना ही दिया आपने। हीरो तो ऑलरेडी बाबा बन चुके हैं। एक गाने की लाइनें क्या हैं, गुनगुनाएंगे आप? बिग बॉस सीजन 10 में आई ऐसी रेन, लेके विचलित ब्रेन आया ओम जी बाबा। बिग बॉस सीजन 10 में आई ऐसी रेन, लेके विचलित ब्रेन आया ओम जी बाबा। ऐसा है। क्या लगता है ये गाना दर्शक पसंद कर पाएंगे पूरा, कैसा लगेगा दर्शकों को? बहुत एंजॉय करेंगे, हम लोगों ने भी एज ए लिसनर, एज ए व्यूअर बहुत एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि ये गाना दर्शक जो है ना, वो बहुत एंजॉय करेगी। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम आमिर शेख है। आमिर, आज बात करें गाने की, कौन सा गाना है जो काफ़ी अच्छा मूड है और काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं आप, क्या है गाने के लिए? एक्चुअली ये गाना जब हम लोग ने ये किया, मेरे एक कॉन्सेप्ट जहन में आया, ओम जी बाबा, जहाँ देखो जिसको देखो ओम जी बाबा। मैंने सोचा यार क्या है आखिर ये कैरेक्टर, उसके बारे में रिसर्च की, देखा सब, उसके बारे में जाना, फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट जहन में आया कि यार क्यों ना इसके ऊपर गाना बनाया जाए, और बड़े ही फनी वे में हम लोग ने इसे गाना बनाया है। इसका म्यूजिक दिया हमारे मेरे फ्रेंड आयान और मीत ने, लिरिक्स भी हम लोग ने तीनों ने मिलके लिखे हैं इस गाने के। तो ये गाना मतलब मजाक में इतना अच्छा गाना बन गया है कि जो भी सुन रहा है फुल इंजॉय कर रहा है। फिर हमारे साथ हमारे जो डायरेक्टर हैं राजू भाई, तो वो भी जुड़ गए हैं साथ में, उसका डायरेक्शन वही कर रहे हैं, उन्होंने बोला भाई मैं डायरेक्शन करूँगा इस वीडियो का। तो और शबाना जी इसका कोरियोग्राफी कर रहे हैं, और मेरे साथ में ये गाना जो गा रहे हैं अभी, वो रानी गा रही हैं, और बहुत मज़ा करके हम लोग ने गाना बनाया, इंजॉय करते करते, और बड़ी लोग सुनेंगे उनको भी बड़ा मजा आएगा। बाबा काफी अतरंगी है और काफी हर तरह से सर्वगुण संपन्न है। हाँ। तो उसमें क्या क्या है सर्वगुण संपन्नता की आपने बातें की इसमें? इसमें अभी हमने सारे जितने उनके गुण हैं सारे गाने में डाल दिए, जो भी सुनेगा ये गाना वो मतलब हंस हंस के पेट पकड़ लेगा। क्या क्या गुण है आप बताना चाहेंगे? क्या क्या वो गाने से पता चलेगा, कुछ तो अनवील करेंगे आप। बस यही की जो भी साइकिल चोर दादा अपने बाबा ओम जी बाबा, और जो जो उन्होंने किया कांड किए हैं भाई, स्विमिंग पूल का जिक्र है इसमें, स्विमिंग पूल का भी है, और जो उन्होंने सुसु किया है वो उसका भी है, और भी बहुत कुछ सुनने मिलेगा आपको, उनकी सारी कहानी इसमें मिल जाएगी। मतलब बाबा जो भी गाना सुनेगा वो हंस हंस के मतलब पेट पकड़ लेगा। जो वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाया हमारे राजू भाई ने, वो तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब राजू भाई ने
माइक से भाई, राजू भाई की कोशिश यही है कि बाबा जी खुद आ जाएं, ओम जी बाबा, क्योंकि कुछ भी हम लोग अलग नहीं दिखा रहे हैं, जो उनका रियल कैरेक्टर है वही दिखा रहे हैं, तो उसमें कोशिश यही है कि हम ओम जी बाबा को लें म्यूजिक वीडियो में और फुल धमाल करने वाले हैं इस गाने से। वो तो आ जाएंगे, उनको तो इशारा चाहिए। हाँ बस, तो वही हम भी, हमारी भी कोशिश यही है कि भाई वो आ जाएं। एक्चुअली बात भी हो चुकी है, लेकिन अभी पता चला कि लोनावाला में उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसमें भी कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा उनका, हो सकता है। एक गाने की लाइनें गुनगुनाएंगे आप दर्शकों के लिए? या बिग बॉस सीजन 10 में आई अजीरेन लेके विचलित ब्रेन आए ओम जी बाबा। हाँ, बिग बॉस सीजन 10 में आई अजीरेन लेके विचलित ब्रेन आए ओम जी बाबा। साइकिल वाला मुखड़ा क्या है? साइकिल वाला भी नहीं, ये थोड़ा सा हमें ये रखने दीजिए, थोड़ा सा साइकिल वाला स्विमिंग पूल का कोई तो मुखड़ा आप सुना है, स्विमिंग पूल वाला वो फिर पूरा खुल जाएगा सब, पूरा नहीं, एक लाइन तो सुनना चाहेंगे दर्शक, एक लाइन से नहीं होगा वो, वो कोई लड़ी है, एक लाइन से दूसरी लाइन जुड़ी हुई है कुछ, तो आप बिग बॉस सीजन 10 में आई ऐसी रेन लेके विचलित ब्रेन आए ओम जी बाबा। बिग बॉस सीजन 10 में आई ऐसी रेन लेके विचलित ब्रेन